हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग के जिसना क्लास 12 एक्सरसाइज 19.13 का क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे साइन एक्स इंटू 3 + 2 cos x, ये दिया हुआ है। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो देखिए ऊपर भी जो है हुआ साइन एक्स जो है हुआ मल्टी, देखिए ये जो है हुआ कोस में दिया हुआ है, तो इनको अगर हम कोस में चेंज कर देंगे, तो अगर हम टी पुट कर देंगे तो ये आसानी से कहीं ना कहीं बन जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ऊपर भी जो है वह कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे भी जो है वह साइन एक्स और ये जो है वह साइन एक्स जो है वह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 + 2 कोस एक्स और ये डी एक्स, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आई इक्वल टू ऊपर में देखिए क्या है, ये हमारा है साइन एक्स डी एक्स, और ये देखिए नीचे में ये हमारा ये साइन एक्स, क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स, को क्या हम लिख सकते हैं 1 - cos² x, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये 3 + 2 cos x और ये डी एक्स, ये इतना होगा, यानी डी एक्स तो ये पहले हम लिख दिए थे। अब जो हुआ हम पुट कर देते हैं, पुट हुआ ये करते हैं टी इक्वल टू जो हुआ साइन एक्स को जो है वह हम पुट कर देते हैं। अब इनका डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी टी बटे डी एक्स इक्वल टू यानी कि साइन एक्स का कितना हो जाएगा, तो ये जो है वह कोस एक्स पुट करिए, कोस एक्स पुट करेंगे तब नहीं ये साइन एक्स आएगा, ये हम कोस एक्स पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स। देयरफॉर डी टी इक्वल टू जो है वह साइन एक्स और ये डी एक्स आ जाएगा। अब देखिए ये साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर हम डी टी लिख सकते हैं, तो नाउ आई इक्वल टू ये हमारा डी टी हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स के स्थान पे डी टी, और ये हमारा हो जाएगा 1 - t² और ये 3 + 2t हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब देखिए ये आई इक्वल टू क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी टी है बटे ये 1 + t और ये 1 - t और ये 3 + 2t। अब देखिए इस टाइप का आपको पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको अच्छा से तोड़ने के लिए हम बताए थे पहले, इसमें क्या करिएगा तो लेट कर लीजिएगा ये जो है वह, यानी लेट कर लीजिएगा ये जो है वह ये 1 - t × 1 - t × 3 + 2t इक्वल टू जो है वह ये जो है वह ए बटे ये 1 + t और ये +b/(1 - t) + c/(3 + 2c) ये करिएगा। तो देखिए यहाँ से a इक्वल टू आपका जो है वो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं आप लोग बनाइएगा, b इक्वल टू जो है वो यानी कि 1/10 आ जाएगा, और ये c इक्वल टू जो है वह माइनस यानी 4/5 आ जाएगा। ये तीनों वैल्यू आ गया, हम ये लिख दिए हैं, आप लोग इनको सॉल्व करके लाइएगा इतना, ठीक है। ये देखिए हम ये इतना लिख दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम 27 नंबर में जो है वह हिंट्स दे देते हैं, आप लोग इनको बनाइएगा खुद से। तो 27 नंबर गिवन आई इक्वल टू है हमारा ये है साइन एक्स बटे जो है वह साइन 4x dx, ये जो है वह आई इक्वल टू ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इनको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो जो है वह ये देखिए ये आई इक्वल टू ये देखिए ये साइन एक्स है तो ये साइन एक्स, क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 2 sin 2x × cos 2x और ये डी एक्स, इनको हम बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 sin x × cos x रहता है, ये साइन 2x फार्मूला होता है, यहाँ पे 2 sin 2x cos 2x तो साइन 2x फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर फार्मूला हम लगाते हैं साइन 2x का, तो i इक्वल टू ये जो है वह साइन एक्स बटे ये 2 पहले से था, और ये इसका फार्मूला लगाएंगे 2 sin x × cos x × cos 2x और ये dx है तो dx। अब देखिए ये साइन कैंसिल, तो साइन कैंसिल हो गया, ये i इक्वल टू ये हमें बच गया ऊपर में dx और ये बटे में 2 × 4 cos x और ये cos 2x, ये जो है वह इतना बच गया है, ठीक है, ये इतना जो है वह बचा हुआ है। तो अब ये इतना बचा हुआ है तो क्या करते हैं, तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ऊपर में ये साइन से मल्टीप्लाई किया, अब हम कोस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आई इक्वल टू
ये कोस एक्स और ये बटे में ये फोर कोस एक्स इंटू ये कोस एक्स हो जाएगा इंटू ये कोस टू एक्स हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब देखिए ये और ये डी एक्स है तो डी एक्स, अब ये आई इक्वल टू जो है वह ये हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स बटे ये जो है वह फोर कोस स्क्वायर एक्स इंटू ये कोस टू एक्स, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए इनसे आगे इनको हम सॉल्व करते हैं, इनसे आगे सॉल्व करेंगे तो इनसे आगे हम क्या करते हैं तो जो है वो हम टी इक्वल टू जो है वो हम यहाँ पे देखिए ये जो है वो ये इतना हो गया। अब देखिए आई इक्वल टू ये कोस एक्स डी एक्स बटे यहाँ पे देखिए फोर ये कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे देखिए ये जो है वो फोर कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कोस टू एक्स इक्वल टू एक फार्मूला होता है, कोस टू एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है यहाँ पे यही चिपका दीजिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स ये चिपका दिए। अब देखिए हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं टी इक्वल टू जो है वह साइन एक्स को, इनको पुट करेंगे इनका डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी टी बटे ये डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कोस एक्स। तो देयर फोर यहाँ जो है वह देयर फोर ये देखिए ये जो क्वेश्चन हम आपको बताए थे यहाँ पे जो है वह कोस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन नहीं होता माइनस साइन हो जाएगा तो ये माइनस डी टी हो जाएगा माइनस डी टी ये जो है वह माइनस वन इक्वल टू ये इतना पुट करिएगा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वह यानी कि ये कोस एक्स हो जाएगा तो देयर फोर डी टी इक्वल टू जो है वह कोस एक्स डी एक्स ये इतना का स्थान पर हम ये इतना लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू ये हमारा डी टी हो जाएगा और ये बटे जो है वह फोर कोस स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ठीक है। और ये देखिए ये वन माइनस ये टू और ये जो है वह ये हम टी स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू टी पुट किए थे। अब देखिए ये जो है वह फाइनली जो है वह आई इक्वल टू जो है वह ये हमारा आ जाएगा डी टी बटे ये फोर इंटू ये वन माइनस ये टी स्क्वायर और ये वन माइनस ये टू टी स्क्वायर ये इतना हो जाएगा। अब देखिए जो है वह क्या करिएगा, अब देखिए क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे वन बाय फोर कॉन्स्टेंट हो जाएगा आई इक्वल टू वन बाय फोर कॉन्स्टेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बट यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये ए प्लस बी इंटू ये ए माइनस बी और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वह हम क्या इनको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे जो है वह यहाँ पे ये वन प्लस रूट टू टी और ये वन माइनस रूट टू टी ये इनको हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे वन माइनस टू टी स्क्वायर है तो ये जो है वन माइनस ये रूट टू और ये टी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो इनको हम ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक कर दिए यहाँ पे। अब इसमें जो है वह आप क्या करेगा तो यहाँ पे जो है वह लेट कर लीजिएगा वो जो है वह वन बाई ये वन प्लस टी और ये वन माइनस टी और ये वन प्लस रूट टू टी और ये वन माइनस रूट टू टी इक्वल टू जो है वह करिएगा ए बाई ए वन प्लस टी प्लस बी बाई ए वन माइनस टी प्लस सी बाई ए वन प्लस रूट टू टी प्लस ये डी बाई ए वन माइनस रूट टू टी। यहाँ से ए बी सी डी का वैल्यू निकालिएगा और यहाँ पे रखिएगा और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा जो आएगा वहाँ पे टी इक्वल टू साइन एक्स रख दीजिएगा जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आप लोग बनाइएगा नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा फिर से इनका वीडियो अपलोड हो जाएगा ठीक है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है ठीक है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।